डिटेल ऑफ लिफ्टिंग मशीन्स पॉपुलरली अवेलेबल। तो जो लिफ्टिंग मशीन्स हैं जो हमारे लिए अवेलेबल है मार्केट में इस समय अवेलेबल है, जिससे जो है सामान उठाने का कार्य होता है, उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, लिफ्टिंग मशीन्स हैं, जिससे कि सामान उठाने का अर्थात किसी भी प्रकार का मटेरियल उठाने का कार्य किया जाता है, जैसे कि चेन पुली ब्लॉक्स, एमएम होस्ट, पैसेंजर लिफ्ट, लिफ्टिंग क्रेडल, इलेक्ट्रिकल विंच मशीन, प्लेटफॉर्म लिफ्टिंग ट्रैकल्स, वेल्डर होस्ट, हाइड्रोलिक जैक्स, प्लेटफॉर्म लैडर लिफ्टिंग फॉर मेंटेनेंस, फोर्कलिफ्ट, टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग क्रेन्स। तो लिफ्टिंग क्रेन्स कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, उसके बारे में। एमओटी मैकेनिकली ऑपरेटेड ट्रेवलिंग क्रेन्स, ईओटी इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन्स, एरियल क्रेन्स, गैंट्री क्रेन्स, गैंट कैंटिलीवर क्रेन्स, फ्लोटिंग क्रेन्स, हार्बर क्रेन्स, रेल क्रेन्स, क्रॉलर क्रेन्स, व्हीकल माउंटेड क्रेन्स, सेल्फ इरेक्टिंग क्रेन्स, टेलीस्कोपिक क्रेन्स, डीजल ड्राइव मोबाइल क्रेन्स और टावर क्रेन्स। इस प्रकार से ये जो है टावर क्रेन्स, ये सभी हमारे जो है लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, जिनके द्वारा हम सामान उठाने का और यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य करते हैं। तो अब हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड टेकल्स, इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रकार के टूल्स एंड टेकल्स होते हैं, जिसके द्वारा हम अपने सामान को जो है उसका हैंडल करने के लिए, जो है उठाने के लिए, ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए हम उपयोग करते हैं, ऐसा कौन कौन सा जो है टूल्स एंड टेकल है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड टेकल्स में कौन कौन से हैं, वायर रोप स्लिंग्स है, लिफ्टिंग बेल्ट स्लिंग्स है जिसमें नायलॉन और पॉलिएस्टर का आता है, चेन स्लिंग्स है, टू फॉल्स वायर रोप स्लिंग्स विथ मेटल लोड रिंग्स, चेन स्लिंग्स इन सिंगल टू थ्री एंड फोर फॉल्स मॉडल्स, डी सकल, बो सकल, आई बोल्ट, लोड बीम टेकल्स, लोड रिंग्स फॉर सपोर्टिंग मल्टीपल स्लिंग्स, राउंड वायर रोप स्लिंग्स, मनीला स्लिप, पीपी रोप, मटेरियल लिफ्टिंग बकेट्स ईटीसी आदि जो है मटेरियल उठाने के सामान जो है, ये टूल्स और टेकल्स हैं। इनका उपयोग हम लोग जो है लिफ्टिंग मशीन जो है उसमें करते हैं, इसके द्वारा जो है सामान को बांधना और उसको फंसाना, एंकर करना, इसके बाद एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का कार्य होता है, उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। स्लिंग्स के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें देयर आर जनरली जो है सिक्स टाइप्स ऑफ स्लिंग्स होते हैं, छह प्रकार के जो है जनरली जो है स्लिंग्स होते हैं, जिसमें जो है वायर रोप स्लिंग्स होता है, मेटल मेश स्लिंग्स होता है, नेचुरल फाइबर रोप स्लिंग्स होता है, सिंथेटिक फाइबर रोप स्लिंग्स होता है, या फिर सिंथेटिक वेब स्लिंग्स बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है छह टाइप के जो है स्लिंग्स होते हैं, इसको भी जो है तीन टाइप, तीन भागों में जो है बांटा गया है, जिसमें चेन स्लिंग्स आ जाता है और वायर रोप मेश स्लिंग्स आ जाता है और फाइबर रोप वेब स्लिंग्स आ जाता है। तो ये तीन प्रकार से जो है इसको भी पड़ता है। और देखिए इसमें जो है प्रत्येक प्रकार का जो स्लिंग्स है उसके अपने अपने विशेष फायदे और नुकसान होते हैं। देखिए डिपेंड है उस पर करता है कि आप किस प्रकार के कार्य के लिए और किस प्रकार के स्लिंग्स का चुनाव करते हैं, और उस पर निर्भर करता है कि आपका जो है स्लिंग्स का साइज क्या है, वेट क्या है, शेप क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है और उसकी सेंसिटिविटी क्या है। ये सभी जो है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का स्लिंग का उपयोग करते हैं। तो ये सभी जो है स्लिंग्स के जो है प्रकार और टाइप्स होते हैं जिनका जो है हम लोग साइड पे उपयोग करते हैं। देखिए ये सब जो है टूल्स और टेकल्स जो है हम सामान को, अपने मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। इनके द्वारा उनको बांध कर या फिर उसको फंसा कर इसमें जो है ले जाके, ये ले जाने का कार्य करते हैं।